आज से बहुत साल पहले प्राचीन चाइना में तीन साधु या मॉन्क्स रहा करते थे। उनके नाम आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। इसकी कोई वजह नहीं थी, बस उन्होंने कभी अपने नाम को किसी को नहीं बताया। चाइना में उन्हें बस तीन हंसते हुए साधु या भिक्षु या मॉन्क्स से ही सभी जानते हैं। इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जिसे हम लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। वे हमेशा एक साथ ट्रैवल करते थे और हंसने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। एक बार ऐसे ट्रैवल करते हुए वो किसी एक गांव या टाउन में घुस जाते हैं और उसके बाद उसके मेन चौराहे के सेंटर पे खड़े होकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरे धीरे वहां पे रहने और काम करने वाले लोग और वहां से गुजरने वाले लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर ऐसा करते हुए हंसने वालों का एक झुंड बन जाता है और धीरे धीरे ये हंसी पूरे शहर और गांव में फैल जाती है। और इसके बाद ये तीनों मॉन्क्स इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना, पूजा और उनकी ट्रेनिंग या कुशलता थी। और वो कभी किसी से बात नहीं करते, बस हंसते रहते थे। धीरे धीरे इन तीनों की पहचान बन चुकी थी और पूरे चाइना में लोग इन्हें बहुत रेस्पेक्ट और पूजने लगे थे। तब तक कभी किसी ने ऐसे चमत्कारी साधुओं या मॉन्क्स को नहीं देखा था जो बस खुशी फैलाते हो। पूरी दुनिया में अपनी हंसी से मानो वो ऐसा कह रहे हो कि हमें अपनी जिंदगी को एक अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए जो हमें हंसने के लिए मिली हो, और हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, ऐसा जैसा किसी ने बहुत बड़ा जोक मारा हो। और ऐसे ही सालों ये तीनों बस हंसते गए और शहर से शहर, गांव से गांव खुशियां बिखेरते चले गए। और फिर एक दिन चाइना के उत्तर प्रांत में ये तीनों थे और उनमें से एक की अचानक दुखद मृत्यु हो जाती है। अब यह खबर मिलते ही पूरे प्रांत में शोक की लहर दौड़ जाती है और सारी जनता अपने काम धाम को छोड़कर इनकी अंतिम दर्शन के लिए भागने लगते हैं। सारी जनता का मकसद सिर्फ इनकी अंतिम दर्शन ही नहीं थी, बल्कि वो सारे लोग बाकी दोनों लाफिंग बुद्धा का रिएक्शन भी देखना चाहते थे। आज तक किसी ने इन लाफिंग मॉन्क्स को सैड होते हुए नहीं देखा था और इसलिए ये सारे लोग उन दोनों लाफिंग बुद्धा के चेहरे को भी देखने आए थे। लेकिन जब ये सारे लोग वहां पहुंचते हैं तो उन दो साधुओं या मॉन्क्स को देखकर पूरी जनता हैरान हो जाती है। आज भी वो दोनों सिर्फ हंस रहे थे और पहले से बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वो दोनों बिना रुके बस हंसते ही जा रहे थे और ऐसा नजारा देखकर कुछ भले लोगों को अच्छा नहीं लगा और बहुत सरप्राइज और भारी मन से ये लोग उन दोनों के पास जाते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि हे महंत, आप अपने मित्र के मृत्यु पर दुखद क्यों नहीं है? और इस बार शायद अब तक के जीवन में पहली बार एक साधु ने जवाब दिया। उस साधु ने कहा कि हे सज्जन, कल जब हम तीनों इस गांव की तरफ गुजर रहे थे तब हमारे तीसरे दोस्त ने हमसे एक शर्त लगाई कि हम में से कौन पहले मौत को गले लगाएगा, और देखो आज ये शर्त जीतने के लिए हमसे आगे निकल गया। इतना ही नहीं, अपने मरने के बाद होने वाले कर्म के लिए भी ये हमें एक चिट्ठी दे गया है। ये लिखते हैं कि आज तक इनके जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आया जब इन्होंने नहाया ना हो और अपने कपड़े चेंज नहीं किए हो, और इसलिए ये लिखते हैं कि मित्रों, आज तक मैंने किसी प्रकार की गंदगी को अपने हंसी के ठहाकों से अपने पास तक नहीं आने दिया और इसलिए मैं साफ हूँ और मेरे कपड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है। और इसको पढ़ने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनकी बॉडी को अग्नि दी जाती है उन्हीं कपड़ों के साथ जो वो पहन कर आए थे, और जैसे ही आग की लपटें उनके कपड़ों को टच करती है, सबको अचंभित करते हुए अचानक से आसमान में सैकड़ों पटाखे और आतिशबाजी चारों तरफ होने लगती है। और फाइनली जितने लोग वहां जमा हुए थे सभी यह देखकर हंसने लगते हैं। वह सभी लोग फिर उन दोनों साधियों के साथ बहुत ठहाके और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और मरने के बाद भी दुनिया को हंसाने वाली एक बुद्धिमान साधु की ये आखिरी हंसी थी। अगर हम गहराई से देखें तो लाइफ, हमारी अपनी लाइफ में शायद हमारा जन्म भी हंसने के लिए ही हुआ है। हंसी ही जिंदगी है और हमें कभी भी खुशी और हंसी के अनुभव लेने का मौका ढूंढना चाहिए। सो अगली बार समस्या या प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी भयंकर हो, अपने मिरर में खुद को देखना और अपने स्माइल से अपने प्रॉब्लम को भगाने का ट्राई करना।